हो गई प्राची अभी की मुलाकात और प्राची मिलेगी अभी से और अभी से मिलने के बाद प्राची की मुलाकात होगी प्रज्ञा से। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्राची अभी के घर गुल्लक में पैसे डालने के लिए अभी को पता ना चले ऐसे रात को अभी के घर जाएगी, जहाँ पर रात को घर में अभी सो रहा होगा, तभी प्राची अभी की खिड़की से गुल्लक में पैसे डालने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी को सिर्फ लड़की का हाथ दिखाई देने की वजह से अभी को लगेगा कि तनु आई है गुल्लक को चुराने, और इसी वजह से जब अचानक से अभी उठकर बारी में तनु का हाथ सोचकर पकड़ेगा, तब वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि प्राची का होगा और अभी की नजर प्राची पर पड़ेगी, जिससे अभी पूरी तरह से हिल जाएगा और प्राची के हाथ में 100 रुपए देखेगा, जिससे अभी को एहसास होगा कि गुल्लक में पैसे हर रोज और कोई नहीं बल्कि प्राची डालकर जाती है ताकि अभी के घर के खर्चे निकल जाए। और इसी वजह से जब अभी प्राची का हाथ पकड़ेगा तब प्राची के आंखों से आंसू आ जाएंगे और अभी भी काफी ज्यादा भावुक होता हुआ नजर आएगा और अभी सारी पुरानी बातें भूलकर प्राची को अपने कमरे में बुलाएगा। और लेकिन सबसे पहले अभी प्राची पर गुस्सा होगा और अभी कहेगा कि तुमने जो 2 साल पहले किया था मैं उस बात से तुमसे काफी ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, उस 2 साल पहले की बातों को जाने दो और उन बातों को मेरे लिए भूल जाना ही बेहतर है। यह कहकर अभी प्राची को गले लगा लेगा और तभी रात में अभी के कमरे में तनु वाली आ जाएगी और प्राची को अभी के कमरे में देखकर पूरी तरह से हिल जाएगी और अभी को प्राची को घर से बाहर निकालने के लिए कहेगी, लेकिन खुद प्राची ही अपने घर के लिए निकल जाएगी। लेकिन प्रज्ञा जिंदा है इसके बारे में प्राची को तब पता चलेगा जब प्राची अपने घर के लिए जा रही होगी, तभी तनु आलिया और अभी के मुंह से प्रज्ञा की बात सुन लेगी, जिससे प्राची को एहसास हो जाएगा कि उसकी माँ प्रज्ञा जिंदा है और वो इसी शहर में है। इसी वजह से प्राची अभी को बताए बिना अपनी माँ प्रज्ञा को पूरे शहर में ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन एक दिन प्राची को अखबारों में खबर के जरिए पता चलेगा कि उसकी माँ प्रज्ञा बहुत बड़ी कंपनी की मालिक है और उस कंपनी में प्राची प्रज्ञा से मिलने के लिए जाएगी। और इसी वजह से जब ऑफिस में प्रज्ञा को प्राची के मिलने के लिए खबर आएगी तब प्रज्ञा ऑफिस का सारा काम छोड़कर प्राची से मिलने जाएगी और जब प्रज्ञा प्राची को देखेगी तब प्रज्ञा प्राची को गले लगा लेगी और प्राची अपनी माँ प्रज्ञा के लिए काफी ज्यादा रोती हुई नजर आएंगी और कहेंगी कि माँ आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको 2 साल से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन आप कहीं नहीं मिली। और आप यह प्रज्ञा प्राची की मुलाकात देखना चाहते हैं क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।